हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सचिन सिवालिया और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम थोड़ी सी मोटिवेशनल बात करेंगे। अगर आपको बात समझ में आती है तो लाइक कर दीजिएगा, और किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो, कोई भी मन में आपके क्वेश्चन आता है, कोई भी आप क्वेरी करना चाहते हैं या फिर आप अपनी राय और सुझाव देना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक ऑप्शन होता है कमेंट करने का, आप उसमें कमेंट कीजिए और मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो का टाइटल है सफल होना है तो चलना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सफल होना है तो चलना ही होगा। अपने कभी बहती हुई नदी को ध्यान से देखा है? बड़ी तेजी के साथ अपने ऑर्गन पॉइंट से बहना शुरू करती है। शुरुआत से ही उसका लक्ष्य है अपनी मंजिल यानी कि सागर को प्राप्त करना होता है। जी हाँ दोस्तों, रास्ते में हजार बाधाएं आने पर भी वह लगातार बहती रहती है। भले ही कुछ जगह पर उसकी रफ्तार कम हो जाए, लेकिन वह रुकती कभी नहीं है। अपनी सुरीली आवाज के साथ बहती हुई नदी अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ती रहती है और कैसे भी हो अपना लक्ष्य प्राप्त करके ही रहती है। जी हाँ दोस्तों, सोचो यदि नदी बीच में ही बहना छोड़ दे तो क्या होगा? उसका पानी ठहर जाएगा और वह कुछ ही दिनों में सूखकर नष्ट हो जाएगी। बिल्कुल दोस्तों यही हमारी लाइफ में भी होता है। यदि सफल होने के लिए आप कोई लक्ष्य तय करते हैं, तो उस लक्ष्य तक पहुंचने की पहली शर्त यही है कि आपको लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। यदि कहीं रुके तो असफलता निश्चित है। अपने मनपसंद लक्ष्य तक पहुंचना आसान कार्य नहीं होता। यदि आसान होता तो आज दुनिया के सभी लोग सफल होते। सफलता के रास्ते में बहुत सी बाधाएं सामने मुँह फैलाए रहती हैं। मुंह फैलाए खड़ी मिलती हैं। यह बाधाएं हमें रोकने पर पूरी कोशिश करती हैं। जो लोग मन से ही कमजोर होते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है, वह इन परेशानियों के आगे झुक जाते हैं और असफलता को स्वीकार कर लेते हैं और बाद में अपने भाग्य को कोसते हैं। जबकि दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जैसे ही वीर लोग इन परेशानियों का सीना तान कर सामना करते हैं, भले ही टारगेट तक पहुंचने की स्पीड में कुछ समय के लिए कमी आ जाए, लेकिन रुकते कभी नहीं है। और जो रुकते नहीं है, उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ध्यान रखिएगा, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार चलते रहना पहली शर्त है। लगातार बहती नदी ही अपनी मंजिल प्राप्त कर पाती है। दोस्तों, समय हमेशा चलता रहता है, इसलिए दुनिया का हर इंसान समय का गुलाम है। हवा हमेशा चलती रहती है, कभी कम रफ्तार से तो कभी तेजी से, लेकिन रुकती कभी नहीं है। इसलिए दुनिया के किसी भी जीव का जीवन बिना संभव नहीं है हवा के। दोस्तों, संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें अरबों गैलेक्सी है, खरबों तारे हैं और अनगिनत ग्रह हैं, सभी चलते रहते हैं, कभी रुकते नहीं है। प्रकृति का नियम है कि जो रुक गया उसका असफल होना, नष्ट होना तय है। यदि आपने गोल को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आपने कोई गोल सेट किया है उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज से ही अपनी कमर कस लीजिए और खुद से वादा कीजिए कि रुकना कभी नहीं है। विवेकानंद जी ने सही ही कहा है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। सोचो कि जो लोग अपना लक्ष्य केवल इसलिए छोड़ देते हैं कि इसके लिए चलना ही बहुत पड़ेगा, इससे ज़्यादा बड़ी असफलता कोई नहीं हो सकती, क्योंकि सफलता और असफलता तो बाद की बात है। खुद को बिना प्रयास के असफलता और धकेल देना, इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। खुद को असफल मान लेना, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। आपका दिल आपको सबसे बड़ा दोस्त है। वह आपके लिए, केवल आपके लिए हमेशा धड़कता रहता है, ताकि आप अपनी मंजिल प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आपके शरीर की खून की हर एक बूंद चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। किसके लिए? आपके लिए। आपके शरीर के बहुत से अंग हमेशा चलते रहते हैं और संदेश देते रहते हैं कि लगातार चलना ही है, सफल जीवन है। आपके कान सुनते हैं, लगातार चलते रहते हैं। आपकी आंख हमेशा देखती है, किसके लिए? केवल और केवल आपके लिए, ताकि आप सफलता की ओर
हमेशा बिना रुके बढ़ते ही रहे। दोस्तों, अब मैं आपको फिल्म सफर के एक गाने के बारे में बताना चाहता हूँ जिसे मन्ना डे ने गाया है। जरा इसकी मोटिवेशनल लाइंस को सुनिए। मैं आपको गाकर तो नहीं सुनाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपको कुछ पंक्तियां आपको सुनाऊं। गाना है, नदिया चले रे धारा, चंदा चले रे तारा, तुझको चलना होगा और तुझको चलना होगा। तुझको चलना होगा, 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 तुझको चलना होगा। पार हुआ वो रहा सफर में, जो भी रुका फिर गया वो भंवर में, नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज की समय की धारा। नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की है धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज और अभी से कमर कस लो और लक्ष्य प्राप्त करने की, उसकी ओर चलने की शुरुआत कर दो। चलते रहिए, बीच रास्ते में आई बाधाओं को सीना तान कर करते रहें, सफलता सामने होगी, आपके कदमों में होगी। दोस्त, यदि आपके पास हिंदी में कोई आर्टिकल, इंस्पायरिंग स्टोरी, लाइफ टिप्स, पोएम, हिंदी क्वाट्स, मनी टिप्स, कुछ भी ऐसी जानकारी है जिसे आप दूसरे लोगों के साथ साझा कर सकें, यदि आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कृपया उसे अपनी फ़ोटो के साथ व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 7455011756, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यदि आपकी पोस्ट हमें पसंद आती है तो हम उसे आपके नाम और फोटो के साथ अपने चैनल पर पब्लिश करेंगे। थैंक यू सो मच। और चैनल की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो रेड बटन का बटन दबाकर घंटी का निशान दबा लीजिएगा। फिलहाल अपने दोस्त सचिन सिवालिया को दीजिए आज्ञा, नमस्कार, जय हिंद।